इन्फोबाइट में आज का मेरा टॉपिक है इंसुलिन। डायबिटीज में जैसे टाइप 1 में एब्सोल्युटली इंसुलिन की ज़रूरत होती है, और टाइप 2 में इंसुलिन कई कुछ पेशेंट को लगता है। हमने इंसुलिन में 1921 में इनोवेट किया है, तब से आज तक इंसुलिन में बहुत इनोवेशन हुआ है। बहुत अच्छे अच्छी क्वालिटी के इंसुलिन अवेलेबल है, हाईली प्योरीफाइड इंसुलिन अवेलेबल है, दवाई हमने बना लिया है। बट मेजर चैलेंज अभी है इंसुलिन की डिलीवरी। मेरा कोर इंटरेस्ट है इंसुलिन डिलीवरी, और एंड टू बी प्रिसाइज इंसुलिन इंजेक्शन टेक्निक। आज हम जो इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं उसके लिए दो तरीके की डिवाइस अवेलेबल है, एक तो पेन है और सिरिंज है। पेन ज़्यादातर यूज़ होती है, 80-90% आज इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है पेन के थ्रू, और रेस्ट बाकी का जो है 10-20% वो सिरिंज से यूज़ किया जाता है। आज हम जब रूरल इंडिया में कैंप करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंसुलिन सही दवाई हमने बना लिया है, बट वो जो इंजेक्ट कर रहे हैं वो इंजेक्शन में बहुत सारी मिस्टेक हो रही है। और हम जब अभी रिसेंटली कैंप किया था उसमें 77 पेशेंट थे, उसमें से एटलीस्ट 5 पेशेंट ने U40 की सिरिंज से U100 का इंजेक्शन इंसुलिन यूज़ कर रहे थे, या तो U100 की सिरिंज से U40 वाला इंसुलिन यूज़ कर रहे थे, जो कि उनके ड्रास्टिक रिजल्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ हमें समहाव अभी इनके बहुत सारा काम करना बाकी है। दूसरी चीज़, एक 2015 में एक इंसुलिन टेक्निक क्वेश्चनर का सर्वे हुआ था, उसमें ये पाया गया था कि नॉट जस्ट इंडिया, इन डेवलप्ड कंट्री ऑल्सो लाइपो हाइपरट्रॉफी इज एज कॉमन एज हाई एज अप टू 50%। अप्रोक्सीमेटली हाफ इज रिपोर्टेड बाई पेशेंट खुद से रिपोर्ट करते हैं, एंड जो हाफ है बाकी के 20-25% वो जब हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जब वो पेशेंट दिखाने आते हैं तब डॉक्टर अपने एग्जामिनेशन में या तो नर्स अपने एग्जामिनेशन में वो लाइपो हाइपरट्रॉफी उनको पता चलती है। कहीं ना कहीं हमें इंसुलिन इंजेक्शन टेक्निक पे काम करना पड़ेगा। अभी इस पर बहुत काम करना है। लाइपो हाइपरट्रॉफी के मेन रीजन जो बताया गया था सर्वे में वो ये था कि इम्प्रॉपर या तो पुअर साइट रोटेशन एंड रिपीटेड यूज ऑफ पेन नीडल, जो कि पेन और सिरिंज जस्ट सिंगल यूज़ के लिए ही होता है, उसको दोबारा से यूज़ नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट डेवलपिंग कंट्री में भी ये दोबारा से यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस पर हमें इंसुलिन पे और बहुत काम करना है। इंसुलिन मिक्सिंग जो है, आज भी रूरल इंडिया में लोग इंसुलिन मिक्सिंग करते हैं, उसको भी जितना हो सके उतना कम करके जो इंसुलिन पेन है, जो कि ईजी है, अफोर्डेबल है, कन्वीनियंट है, पेन पे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को शिफ्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है U40 एंड U100 का जो कंसेप्ट है वो रिमूव करके कोई एक ही स्टैंडर्ड सिरिंज पे काम करना पड़ेगा, ताकि जो इस तरीके की नॉर्मल मिस्टेक्स हो रही है पेशेंट से उसको प्रिवेंट किया जाए। थैंक यू।